साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आमद के मौके पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ के इलाज का पहला मरहला बरतानिया में होगा, ताहम जरूरत हुई तो इलाज के लिए कहीं भी जाया जा सकता है। नवाज शरीफ को जहर दिए जाने के हवाले से उन्होंने कहा, साबिक वजीर आजम के टेस्ट में सब मालूम हो जाएगा। हुसैन नवाज साहब के अलावा और भी लोगों ने कहा था कि पोलोनियम, एक दो पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा था कि पोलोनियम एक ऐसी है यानी स्लो पॉइजनिंग, मेडिकल जो है एक्सपर्ट वो ही बता सकते हैं कि क्या वो वॉश आउट हो जाती है या कुछ सिस्टम में रह जाती है या उसकी वजह डैमेज है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक यहाँ उसका डायग्नोसिस और जो प्रोसेस है वो मेडिकली जो मेरा ख्याल है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी एडवांस है इन चीज़ों में। तो ये भी जहाँ उनका डायग्नोसिस होगा, ब्लैंडस की वजह होगी, उनकी जो किडनीज की डिट्यूरेशन है उसको देखा जाएगा, उनका जो हार्ट, उनको एक माइंड अटैक हुआ था उसको देखा जाएगा। तो ये चीज़ें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में होगी। जी जी, जहाँ तक मेडिकली देखा।